मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलयुगी पोते और बहू का बुजुर्ग दादी के साथ मारपीट करते वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। बुजुर्ग दादी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने जो खाना बनाया था वो पोते और बहू को पसंद नहीं आया। फिर क्या था, पोते ने अपनी दादी को पकड़ा और उसकी पत्नी डंडे से पीटती रही। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। दरअसल बुजुर्ग दादी से मारपीट की घटना का वीडियो उनके मकान मालिक ने चुपके से बना लिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी दीपक सेन और उसकी पत्नी पूजा सेन भोपाल छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया। दीपक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के बरखेड़ी में सैलून की दुकान चलाता है। दोनों आरोपी अपने पैतृक गांव यूपी के झांसी जा रहे थे। भोपाल पुलिस दोनों को रास्ते से ही पकड़कर भोपाल लाई और गिरफ्तार कर लिया। एक दीपक सेन जो कि निवासी बरखेड़ी जहांगीराबाद बताया जा रहा था और उसकी पत्नी पूजा सेन, इनके द्वारा मारपीट और दुर्व्यवहार किया जा रहा था एक बुजुर्ग महिला के साथ। इस पर जब वीडियो की तस्दीक की गई तो यह पाया गया कि वीडियो असली था और वास्तव में ये दीपक सेन और पूजा सेन बरखेड़ी जो जहांगीराबाद में है वहाँ पर निवास करते हैं और वहीं पर सैलून ये चलाता है। इसमें वीडियो वायरल होने के बाद से ये अपने घर से और सैलून से फरार हो गया था, ये वहाँ पर नहीं मिला था। इसके बाद विभिन्न जो धर्मशालाएँ और जगहों पर छापेमारी की गई थी तो ये थाना ऐशबाग अंतर्गत एक धर्मशाला से ये दोनों जो आरोपी हैं दीपक सेन और पूजा सेन, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जो बुजुर्ग महिला हैं वो दीपक सेन की दादी हैं और ये झांसी चली गई थी इस घटना के बाद। इनको भी झांसी से परिजनों के साथ लाया जा रहा है ताकि उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा सके। बता दें कि वायरल वीडियो में एक युवक एक बुजुर्ग महिला को कसकर पकड़े हुए है और बुजुर्ग महिला अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक और महिला बुजुर्ग महिला को डंडे से पीट रही है। बुजुर्ग महिला खुद को छुड़ाने की मिन्नत कर रही है, लेकिन दोनों पर इसका कोई असर दिख नहीं रहा है और बुजुर्ग महिला के साथ जमकर मारपीट की जाती है।